नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड। आप सभी का स्वागत है हिंदी डेवटूट्स पर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लाउड वीपीएस के बारे में। अगर आपने पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप पहले से हमारे वीडियो को फॉलो नहीं करते हैं, तो हमने आपको शेयर होस्टिंग के बारे में बताया था, व्हाट इज शेयर होस्टिंग के बारे में, तो आप वो वीडियो इससे पहले देख लें। आज हम बात करने वाले हैं शेयर होस्टिंग से थोड़ा सा अच्छा होस्टिंग, जिसका नाम है वीपीएस होस्टिंग। तो नॉर्मल जो वीपीएस होता है वो कई प्रकार के आते हैं, जैसे क्लाउड वीपीएस आते हैं, बार मेटल के वीपीएस आते हैं, ट्रेडिशनल वीपीएस आते हैं, तो उसे हमें कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको नॉन टेक्निकली आज कुछ समझाना चाहता हूँ कि क्लाउड वीपीएस आखिर है क्या और कौन लोग इसे इस्तेमाल करते हैं और किसे क्लाउड वीपीएस इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपकी प्रोजेक्ट क्या है तो आप क्लाउड वीपीएस पे जाओगे, और क्लाउड वीपीएस पे सबसे अच्छी कंपनी क्या क्या है और ऐसा कुछ ऑप्शन है जो हम लोग क्लाउड वीपीएस अच्छी कंपनी पे खरीद पाए, तो ये सारे क्वेश्चन का जवाब अगर आपको चाहिए तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो वीपीएस कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आज यहाँ पे मैं स्पेसिफिक क्लाउड वीपीएस के बारे में बात करूंगा। जो क्लाउड वीपीएस होती है उसमें कई सारे फीचर्स होती है। यहाँ पे मैं आपको एक कंपनी के बारे में बता रहा हूँ और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। हमें जो कंपनी अच्छी लगती है, जो टॉप 10 कंपनी आती है, जो डेवलपर लोगों को पसंद है, जो लोगों को पसंद है, वही मैं आपको बताता हूँ। तो पहले से बता दे रहा हूँ, ये लिनोड कंपनी का है, ये बहुत अच्छी कंपनी है और इनकी सर्विस भी अच्छी है, लेकिन फीचर्स क्या होती है क्लाउड वीपीएस में वो समझते हैं। तो हम लोग फीचर्स में अगर जाएंगे तो यहाँ पे आपको काफी सारे फीचर्स दिखाई देंगे। यहाँ पे आप बहुत आसान तरीके से अपना जो सर्वर है उसे डिप्लॉय कर सकते हैं और तुरंत अपना एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम चूज आपका रहेगा, जो सॉफ्टवेयर आपको चाहिए वो आप चूज कर सकते हैं, मतलब आपका खुद का प्राइवेट सर्वर। वीपीएस का मतलब ही होता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, वो भी क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ, तो सुपर पावरफुल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका जो नेटवर्क है वो 40 गीगाबिट नेटवर्क है, तो आपको सोचना नहीं है, इंटेल E5 की प्रोसेसर है, लेटेस्ट वर्जन होती है ये सर्वर साइड में। ओके, अब इधर i7 i9 तरफ मत जाएं, ये जियोन प्रोसेसर है और SSD स्टोरेज होती है। और यहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल मिलता है जहाँ पे आप अपने सर्वर के सारे कुछ देख सकते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, नॉर्मल शेयर होस्टिंग चलाने से थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट सीखा जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इनके 9 डेटा सेंटर है, तो यहाँ पे टोक्यो, जापान, इधर। हाँ, मुझे ये लिनोड में एक चीज मुझे ये लगा कि इंडिया में इन्होंने डेटा सेंटर नहीं दिया। वैसे कंपनी अच्छी है लेकिन इंडिया में नहीं दिया। एशिया स्पेसिफिक में देखेंगे तो सिंगापुर, जापान और टोक्यो है। यहाँ पे आप सिंगापुर चूज कर सकते हैं, काफी स्पीड चलता है, यूएस और जर्मनी से ज्यादा स्पीड चलेगा। ओके, तो क्लाउड वीपीएस जो है वो सुपर फ्लेक्सिबल रहता है। आप 2 GB वीपीएस स्टार्ट करके आप उसे 4 GB, 10 GB, 100 GB, 200 GB तक भी ले जा सकते हैं। इजी टू स्केल होता है, आप इसको इजीली बैकअप कर सकते हैं, और इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है नॉर्मल वीपीएस से, और इसकी कॉस्ट भी ज्यादा होती है। तो कॉस्ट के बारे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग प्राइसिंग करेंगे तो नॉर्मल कॉस्ट होती है, इतना डरने जैसा नहीं होता है। आप यहाँ देख सकते हैं 1 GB रैम की आपको $5, मतलब लगभग अगर इंडियन करेंसी में करें तो आपको 350 रुपये में मिल जाएगी। मैं ये रफ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आप लोग कर लेना, मेरी इंग्लिश के साथ साथ मैथ भी बहुत ज़्यादा खराब है। तो ये लगभग आपको 350 के रेंज में गिरेगा 1 GB का। और अगर आपको 2 GB चाहिए, ऑब्वियसली आपको अगर एक वीपीएस बनाना है तो 2 GB का लेना चाहिए, तो $10 750 रुपये लगभग का पड़ सकता है आपको, टैक्स मिला के 800 रुपये पकड़िए। तो 800 रुपये में आपका प्राइवेट सर्वर और आप जैसा चाहें वैसे सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर इसमें सी पैनल डालेंगे तो और 1000 रुपये बढ़ जाएगी, वो अलग बात है, लेकिन समझने का है। तो अब हम समझते हैं कि क्लाउड वीपीएस के बारे में मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया, तो हम लोग कर क्या सकते हैं। हम लोग एक छोटा सा सर्वर लेके भी काम स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे ये 1 GB का सर्वर है। अब ये 1 GB का सर्वर किसके लिए अच्छा हो सकता है, उसके लिए जो स्टार्टअप ब्लॉग कर रहा है, ब्लॉगिंग कर रहा है, उसे अच्छे आर्टिकल लिखने हैं और स्पीड चाहिए उसे, ताकि अच्छा लगे, जो लोग भी एक्सेस करें उनको अच्छा लगे, अच्छी तरह से साइट खुल सके, उसके लिए 1 GB रैम एनफ है स्टार्टिंग के लिए। क्योंकि शुरू में 100, 200, 300 लोग ही आते होंगे, 1000 तक भी नहीं आते होंगे। और वैसे 1 GB की अगर देखा जाए तो ऑफिशियली ये लोग कहते हैं 3000 to 5000, बट आप मान के चलो कि 1000 ही सही, तो भी आपको 1 GB रैम एनफ है। ठीक है, और अगर 2 GB, जैसे आपको कोई ई कॉमर्स स्टार्टअप करना है तो फिर आपको मिनिमम 2 GB चाहिए। कोई PHP में एप्लीकेशन आपने डेवलप करा है, कोई डिलीवरी सिस्टम है, कोई गिफ्ट सिस्टम है, कोई भी आपका बिजनेस आइडिया है, तो वो मिनिमम 2 GB रैम होना चाहिए। और अगर कोई बड़ा स्केल पे आप करना चाहते हैं तो मिनिमम 8 या 16 GB से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये स्टार्ट है, आगे चल के ये 100 GB तक जाएगा।
अब मैं आपको कुछ क्लाउड वीपीएस के कंपनी के बारे में बताता हूँ जो टॉप कंपनी है, जिन पे आप आंख बंद करके बिलीव कर सकते हैं, जिनके लोग यूज कर रहे हैं और मैं भी अपने क्लाइंट के प्रोजेक्ट के लिए यूज करता हूँ। तो लिनोड मैंने कई बार यूज की है, इसलिए मैंने ये कंपनी का नाम आपको बताया। और इससे थोड़ा बेहतर कंपनी अगर जो मुझे अच्छा लगता है वो अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो वो है वल्चर कंपनी। आप इसको पढ़ते कैसे हैं मुझे नहीं पता, VULTR लिखा हुआ है तो इसे मैं वल्चर ही पढ़ रहा हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि क्या पढ़ते होंगे, पता नहीं इसके प्रोनाउंसिएशन क्या है, वैसे भी मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, तो खैर कोई बात नहीं, जो भी पढ़ते हैं। लेकिन ये जो कंपनी है बहुत अच्छा है, क्योंकि ये क्लाउड VPS के साथ साथ डेडिकेटेड VPS भी प्रोवाइड करता है। थोड़ा सा इसका स्टाइल अलग है, ये आपको अमेजन का जो SW है उस टाइप की ये लगेगा। तो आप देख सकते हैं इनका सभी तरफ है और इनका इंडिया में भी है। आप देख सकते हैं ये क्लाउड कंप्यूट प्रोवाइड करते हैं, बार मेटल का प्रोवाइड करते हैं, ब्लॉक स्टोरेज भी प्रोवाइड करते हैं, डेडिकेटेड क्लाउड भी ये प्रोवाइड करते हैं जो $60 से स्टार्ट होता है। ऑब्वियसली डेडिकेटेड चाहिए तो 10-15 में तो नहीं मिलेंगे, $60 लगेगा। और आपको बार मेटल चाहिए तो $120 से स्टार्ट करते हैं, और नॉर्मल अगर आपको चाहिए तो $2.5 पर मंथ से भी ये लोग स्टार्ट करते हैं, स्टोरेज है वो। ओके, तो ये कंपनी है, इससे आप ले सकते हैं। और ये कंपनी की लिस्ट जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको इजीली ये फाइंड आपको मिल सके। और उसके बाद इससे थोड़ा बेहतर अगर मुझे कोई कंपनी लगता है तो वो है डिजिटल ओशियन। और डिजिटल ओशियन के बारे में मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी सारे YouTube के अगर आप वीडियो फॉलो करते हैं तो डिजिटल ओशियन के सर्वर तुरंत बनाते हैं लोग, तुरंत वर्डप्रेस डालते हैं और उसमें काम करने लगते हैं। तो हम लोग भी डिजिटल ओशियन के, क्योंकि अभी तक मैंने आपको क्लाउड VPS के बारे में बताया नहीं था, तो मैंने क्लाउड VPS के रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं बनाई कि किस तरह से सर्वर डिप्लॉय करते हैं, किस तरह से अपना एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं, किस तरह से अपने साइट को डायरेक्ट VPS में लॉन्च किया जाता है, तो ये सारी बातें मैंने नहीं बताई थी क्योंकि हमें क्लाउड VPS के बारे में पता नहीं था ट्यूटोरियल सीरीज के हिसाब से। तो आज मैं आपको क्लाउड VPS क्लियर कर रहा हूँ ताकि आगे चल के हम लोग बढ़िया सा, क्योंकि अगर रियल में आपको बिजनेस करना है, रियल में आपको ब्लॉगिंग करना है, अगर आप रियल सीरियस हैं ऑनलाइन काम करने के लिए, तो आपको VPS लेना चाहिए। यार $10 तो है, $10 से नीचे कितना जाएगा, फ्री में चल जाएगा क्या? दुनिया में फ्री में कोई चीज नहीं होता। आपको अगर वर्ल्ड क्लास की क्वालिटी चाहिए प्रोडक्ट की तो भैया पैसे तो लगने ही लगने हैं, तो थोड़े बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं, आप अपने बजट हिसाब से कर लेना। और नहीं होगा तो शेयर होस्टिंग तो है ही है, जिंदाबाद, आप शेयर होस्टिंग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, हम दे रहे हैं। अब अगर डिजिटल ओशियन से भी आपको और अच्छी कंपनी चाहिए तो ऐसा बहुत है, मैं अपने एक व्यू दे रहा हूं आपको, मैं जो बोल रहा हूं यही सच है, ऐसा नहीं है, आप खुद यूज करना तो आपको पता चलेगा। बट डिजिटल ओशियन की रेटिंग बहुत अच्छी है, और लिनोड से ज्यादा अच्छी मुझे डिजिटल ओशियन लगता है, और वल्चर से भी मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। अब इसकी स्पेलिंग VULTR है, इसको पढ़ते क्या है मुझे आज तक नहीं पता, कमेंट्स में बताना इसको पढ़ते क्या है। ओके, और इनसे अगर आप अच्छे कंपनी में जाना चाहते हैं तो बस और तीन कंपनी बचती है, और ये तीनों कंपनी के बारे आप लोग जानते हैं, मैं बस उनका नाम दिखा दे रहा हूं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पहला कंपनी जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो है अलीबाबा क्लाउड। अलीबाबा के बारे अगर आप नहीं जानते तो दुनिया में क्यों रह रहे हैं, क्योंकि अगर इंटरनेट इंडस्ट्री में आप हैं तो अलीबाबा, अली एक्सप्रेस, अलीबाबा ग्रुप, इनको कौन नहीं जानता, बहुत बड़ी कंपनी है, तो इनके बारे में सभी को पता होता है। उनकी भी क्लाउड सिस्टम है और इनके कई सारे प्रोडक्ट है, तो आप इनका यूज कर सकते हैं। हाँ, इनकी प्राइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा होता है, इसकी फ्री ट्रायल भी है, आप ले सकते हैं, लेकिन कोई भी फ्री ट्रायल लेने के लिए आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की जरूरत पड़ सकती है। दूसरा मैं एक बताना चाहता हूँ, वो है अमेजोन का SW सर्वर, अमेजोन वेब सर्विसेज, तो ये आप ले सकते हैं। और इसकी एक फ्री ट्रायल आती है जो आपको लगभग फ्री देती है हमेशा के लिए, 12 मंथ फ्री, ऑलवेज फ्री प्रोडक्ट। इसमें भी आपको वेरीफाई करना पड़ेगा आपका क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। और लास्ट में एक कंपनी के बारे में बताना चाहता हूँ, उसकी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, और वो है गूगल महाराज। गूगल के बारे तो आपको पता ही है, तो ये कितनी बड़ी कंपनी है मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है। इनका भी क्लाउड है और इनके जो प्राइसिंग है आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं प्राइसिंग आपको थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ, उतनी ज्यादा नहीं है, मतलब लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसका भी फ्री ट्रायल है, अगर आप इसका फ्री ट्रायल लोगे और अपना कार्ड वेरीफाई कराओगे तो आपको $300 का क्रेडिट भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो इनके काफी सारे ऑप्शन है, इनका कोई अपफ्रंट कॉस्ट नहीं है, पे एज यू गो है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसकी प्राइसिंग क्या पड़ सकती है। ओके, आपको पहले सेलेक्ट करना होता है, उसके बाद में जाके आपको प्राइसिंग यहाँ पे मिलेगी। जैसे कंप्यूट इंजन आपको चाहिए तो आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में आपको प्राइसिंग दिखाई देगी। तो सारा प्राइसिंग आप लोग चेक कर लेना, ये इसके बारे प्राइसिंग बता के कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। ये थोड़ी सी कॉस्टली होती है और गूगल में जाने के लिए थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट होना चाहिए, छोटा मोटा प्रोजेक्ट के लिए पहले ही हो सकता है। आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइसिंग आपको दिखा रहा है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आवरली काउंट होता है, घंटे में काउंट होता है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो $0.1 है और $0.9, लगभग $1 तक की ये आ रही है। तो आप इस पेज में आके अच्छे से इसका
काउंट कर सकते हो। ये मंथली भी आपको प्राइस दिखाएगा। ओके, यहाँ पे देख रहे आवरली है, इसको अगर हम लोग मंथली कर देंगे तो आप देख सकते हैं मंथली आपको यहाँ पे दिखा रहा है। ऊपर में ये वाला इनका जो छोटा वाला मशीन है वो हम लोग देख सकते हैं मंथली में, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं $24 से स्टार्ट हो रहा है और कोई कोई तो $400 भी हो जाता है। तो डिपेंड करता है कौन सा सर्वर है उसके हिसाब से। वर्चुअल सीपीयू ये देखिए एक है, ठीक है, ये $7 में लगभग दे रहा है, सॉरी मतलब ये $24 में आपको दे रहा है, $24 आपको लगेगा और मेमोरी आपको 4GB की दे रहा है, एक वर्चुअल सीपीयू दे रहा है। तो ऐसा आप यहाँ पे आके प्राइस देख सकते हैं। और ये टॉप क्लास के कंपनी है लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा प्राइस पड़ता है, तो इनके बारे में बता के मुझे फायदा नहीं है। गूगल, SW और अलीबाबा, उनके लिए चाहिए जो अच्छे लेवल की, एटलीस्ट इंडिया लेवल का कोई कॉन्सेप्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो उनको ये क्लाउड सर्विस लेना चाहिए। और अगर आपका छोटा प्रोजेक्ट है, आप अपने शहर में, अपने स्टेट में, या छोटा सा एक कोई स्टार्टअप बिजनेस है, तो उसके लिए आप डिजिटल ओशियन यूज कर सकते हैं, लिनोड भी यूज कर सकते हैं, और ये जो कंपनी है बल्चर या जो भी है इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये लगभग ये सारे प्लेटफॉर्म मैंने यूज किए हुए हैं, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ मैंने किया हुआ है। और अभी मैं आपको, आपको क्या लग रहा है ये ट्यूटोरियल्स खत्म हो गया? नहीं खत्म हुआ, हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे, एक सर्वर में आपको चला के भी दिखाऊंगा अभी कि कितना आसान होता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर चलाना, लोगों को लगता है मुश्किल है। ओके, तो लास्ट एक कंपनी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं और वो है क्लाउडवे। अब ये क्लाउडवे क्या है, ये बाकी वर्चुअल प्राइवेट सर्वर कंपनी से अलग है क्योंकि ये एक ऐसा कंपनी है जहां पे आपको सारे कंपनी के VPS मिल जाते हैं, जैसे डिजिटल ओशियन का भी मिल जाता है, अमेजोन का भी मिल जाता है, वल्चर का भी मिल जाता है, गूगल क्लाउड और लिनोड भी मिल जाता है। मतलब ये एक ऐसा कंपनी है क्योंकि कई लोगों को डायरेक्ट गूगल क्लाउड सेटअप करने ही नहीं आता, बहुत टाइम लग जाता है उनको सेटअप करने के लिए। SW का तो स्टोरी बहुत है, आप लोग पढ़ सकते हैं FAQ में कितना मुश्किल होता है, नहीं सीखा के लिए तो लगभग इम्पॉसिबल हो जाती है, सीखे वालों को तो खेल है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और अलीबाबा का ये न्यू प्लेटफॉर्म है तो इसको भी थोड़ा कई लोग चला नहीं पाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इतना मुश्किल नहीं है, जो एक्सपीरियंस डेवलपर है वो तो आराम से चला लेगा, नए लोगों के लिए डायरेक्ट क्लाउड में जाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ओके, अगर आपको डायरेक्ट सर्वर नहीं चलाने आता तो आप ये सर्विस यूज कर सकते हैं, मैनेज क्लाउड होस्टिंग प्लेटफॉर्म। इसमें क्या होगा कि सर्वर का जो भी काम है, एक एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना, ये सारे काम में वो लोग आपको हेल्प करेंगे, उसके बदले वो लोग चार्ज करेंगे, लेकिन आपको कोई भी टेक्निकल नॉलेज सर्वर साइड की, सर्वर मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है अगर आप इनसे सर्विस लेते हैं। तो इस टाइप की और भी बहुत सारी कंपनी है लेकिन मैं यहाँ पे क्लाउडवे सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि क्लाउडवे कंपनी से मेरी कई बार बात हुई है और मैंने उनका प्रोडक्ट यूज भी किया है और बहुत जल्द मैं कंपनी वालों से हम लोग बातचीत करने भी वाले हैं। और आज मैं आपको क्लाउडवे के बारे में पहली बार बता रहा हूँ, अगर आप सभी की रेस्पॉन्स अच्छी रही, आपको अगर क्लाउडवे पसंद आएगी तो हम लोग कंपनी के मेंबर को भी पकड़ के लाएंगे हिंदी डेवटूट्स में और उनसे सामने में सवाल पूछेंगे कि ये कंपनी क्यों अच्छी है, क्या फायदा है, नहीं फायदा है, पकड़ना है उनको और ये एक अच्छी सर्विस है तो हम उनको पकड़ना चाहते हैं, लेकिन उनसे पहले हम लोग इनका सर्विस तो देख लें। तो अभी मैं गूगल क्लाउड को यहाँ पे लॉन्च करना चाहूंगा तो काफी समय लगेगा और अगर मैं डिजिटल ओशियन भी करूंगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं अभी आपको एक डिजिटल ओशियन का सर्वर लॉन्च करके दिखाऊंगा क्लाउडवे के थ्रू से, क्योंकि क्लाउडवे में ये सारा कंपनी आता है, आपका गूगल भी आ जाता है तो ये आप नहीं चाहिए, अमेजोन भी आ जाता है नहीं चाहिए, अलीबाबा नहीं है तो अगर आपको अलीबाबा चाहिए तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, बल्चर तो है तो ये भी नहीं चाहिए, डिजिटल ओशियन है और क्लाउड है, तो इतने सारे ऑलरेडी आ जाते हैं और हम लोग ये अंदर में हम लोग देख पाएंगे, ठीक है। अंदर हम लोग अगर जाएंगे तो यहाँ पे देख पाएंगे, मैं अभी आपको लॉगिन करके दिखाऊंगा। तो पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं साइन अप कैसे करेंगे। तो स्टार्ट फ्री और यहाँ पे कोई क्रेडिट कार्ड नहीं लगता, 3 दिन के लिए ये आपको फ्री ट्रायल है, अभी जो मैं कर रहा हूँ आप लोग भी कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग एक ईमेल लेके आते हैं पहले अपना, मेरा कोई ईमेल आईडी पकड़ लेते हैं। ओके, तो हिंदी डेवटूट्स जीमेल वाले तो मैं यूज कर रहा हूँ तो वो नहीं हो सकेगा, तो एक काम करते हैं मैं हिंदी डेवटूट्स हॉटमेल वाली यूज कर देता हूँ, @hotmail यहाँ पे यूज कर देता हूँ। अभी मैं आपको सर्वर लॉन्च करके दिखाऊंगा, कितना टाइम लगता है आप लोग खुद ही देख लो। एक हम लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। ओके, पासवर्ड एक रख लेते हैं यहाँ पे। ओके, डिस्क्राइब ई कॉमर्स, हाँ हम लोग ई कॉमर्स ही बनाना चाहते हैं। स्पेंडिंग कितना करना चाहते हैं, हम लोग $50 के अंदर करना चाहते, गरीब आदमी हैं हम लोग। और यहाँ पे प्रोमो कोड है तो आप लोग चाहें तो क्लाउडवे कंपनी से हमारी बातचीत हुई है तो आपको यहाँ पे अगर आप लिखेंगे HDT20 तो आपको 20% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। आप देख सकते हैं ये प्रोमो कोड वैलिड है, यहाँ पे टिक दिखा रहा है HDT20, तो आपको 20% का डिस्काउंट इनका हर सर्वर में आपको मिल सकता है और ये आपको फर्स्ट इनवॉइस में मिलेगा। ध्यान रखें, कोई भी डिस्काउंट मिलता है तो उसको ध्यान से रखें, एग्री करना है और स्टार्ट फ्री करना है आपको। जैसे आप करेंगे आपको वेट करने के लिए बोलेगा,
और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको अपना नंबर मांग रहा है, तो आपको यहाँ पे आपका नंबर देना पड़ेगा एक्टिवेशन कोड के लिए, क्योंकि बहुत लोग फेक अकाउंट बनाते हैं तो उसके लिए ये लोग मांगते हैं एक्टिवेट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे साइन अप नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको साइन अप करने की प्रोसेस बता दिया, तो हम लोग इसे वेरीफाई नहीं करके मैं बैक चला जाता हूँ और मैं अपना वाला यूज करूंगा, लॉग इन करके यूज करूंगा। तो आप लोग यहाँ पे साइन अप कर लेना, मैं ऑलरेडी साइन अप कर चुका हूँ, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे अभी लॉग इन करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे लॉग इन पे चला जाता हूँ। आप साइन अप करने के बाद आपको ईमेल मिलेगी, क्योंकि मेरा अभी दूसरा मोबाइल नंबर नहीं है तो मैं दूसरा अकाउंट अभी नहीं बना सकता, इसलिए मैं अपना पहला से जो बना हुआ है वो आपको दिखा दे रहा हूँ। आपको साइन अप करना है, साइन अप करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक सेकंड का काम है। ओके, तो यहाँ पे मैं अपना ईमेल आईडी दे देता हूँ, hindidevtuts@gmail.com, और यहाँ पे हम लोग अपना जो है पासवर्ड डाल देते हैं। मैंने यहाँ पे पासवर्ड भी डाल दी, लॉग इन, और ये लो हो गया कहानी, मेरा पासवर्ड भी गलत निकल गया, कैसे पता नहीं, मैं हड़बड़ी में कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ जैसे मुझे लग रहा है। एंटर करते हैं और यस, आप जैसे ही लॉग इन करेंगे तो आपको इस तरह का पेज दिखाई देगा। ओके, तो आप देख सकते हैं इस तरह का आपको पेज दिखाई देगा, और यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने कुछ भी नहीं बनाया है। तो आप सर्वर में जाके देखेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आपको दिखा रहा है कि आप सर्वर लॉन्च कर सकते हैं। एप्लीकेशन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, नया आप एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हैं। टीम, अगर आप किसी टीम को, और प्रोजेक्ट यहाँ पे है। ओके, तो मैं एक प्रोजेक्ट बनाया था WP जेस्चर, ये हमारी ऑफिशियल साइट है, इसको गोली मारी, इसे कोई लेना देना नहीं। तो हम लोग अभी अगर देखिए, मैं लॉगिन किया हूँ, आप देखिए कि कितना जल्दी मैं एक वर्डप्रेस का सर्वर लॉन्च करता हूँ। ठीक है, तो लॉन्च करेंगे हम लोग, ठीक है, एप्लीकेशन सर्वर। हमें कौन सा एप्लीकेशन चाहिए, वर्डप्रेस, और ऑप्टिमाइज चाहिए कि नहीं चाहिए, विथ वू कॉमर्स चाहिए कि नहीं चाहिए, हमें विथ वू कॉमर्स चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वू कॉमर्स 3.3.5 के साथ लेटेस्ट वाली, आप चाहे तो क्लीन वाला कर सकते हैं, जो क्लाउड वे ऑप्टिमाइज नहीं होगा, मैं नॉर्मल वाला कर लेता हूँ। ओके, इसका नाम रखेंगे, ठीक है, ये हमारा जो होगा, तो इसका नाम क्या रहेगा, ई कॉमर्स हम लोग बना रहे हैं, तो HDT कॉमर्स होगा। नेम ऑफ योर मैनेज सर्वर का नाम क्या है, HDT कॉम सर्वर, जैसा आप नाम रखना चाहें। ओके, और सेलेक्ट योर प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे वो प्रोजेक्ट दिखा रहा है, तो मैं WP जेस्चर बना चुका हूँ, तो ऑलरेडी मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपने प्रोजेक्ट नहीं बनाया होगा तो यहाँ से नया प्रोजेक्ट करके भी कर सकते हैं, ठीक है, एक प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। आप देखिए कि मैं एक ही कंपनी के अंदर डिजिटल ओशियन, लिनोट सेलेक्ट कर सकता हूँ, वल्चर सेलेक्ट कर सकता हूँ, ASW अगर मुझे चाहिए अमेजोन की, या फिर मुझे गूगल क्लाउड चाहिए तो भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। और यहाँ पे आपको देखिए गूगल क्लाउड का यहाँ पे आपको दिखा रहा है, अगर गूगल क्लाउड का मैं स्मॉल वाले लूंगा, 2 GB का लूंगा, स्टोरेज 10 GB का लूंगा, डाटाबेस 10 GB का लूंगा, लोकेशन हम लोग चेंज करते हैं और इसे हम लोग इंडिया ले आएंगे, क्योंकि हम लोग मुंबई, इंडिया रहेगा तो सुपर स्पीड चलेगा। मुझे मंथली जो है वो $45 का पड़ेगा अगर मैं गूगल का करता हूँ तो, बट मैं यहाँ आपको सस्ता वाला दिखाऊंगा। तो डिजिटल ओशियन करते हैं, 2 GB का सर्वर रहेगा, ये लंदन दिखा रहा है, चेंज करते हैं हम लोग इसे, और इसको चेंज करके बेंगलोर कर देते हैं, बेंगलोर में सर्वर है, इंडिया में 2 GB का है। ओके, आप देख रहे हैं ये $22 मंथली पड़ेगा, और इसे अगर मैं 1 GB करूंगा तो ये $10 पड़ेगा। लेकिन क्योंकि मैं ई कॉमर्स बना रहा हूँ तो हमें 2 GB चाहिए, तो मैं इसे मिनिमम 2 GB रखूंगा। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, अमेजोन का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप देखिए मैं यहाँ पे लॉन्च करूंगा, ठीक है, और ये मेरा सर्वर जो है वो लॉन्च होने वाला है, और नीचे देख सकते हैं आप, इसकी वीडियो है तो आप आराम से वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपने लोकल सर्वर में बनाई है तो बहुत आसान है, इसकी एक प्लगइन आती है, क्लाउडवे की प्लगइन, आप उसको इंस्टॉल कर देंगे तो अपने आप आपका इधर ले आएगा, माइग्रेट हो जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट में। और ये लगभग आपको देखिए 7 मिनट का टाइम ये बता रहा है, तो 7 मिनट टाइम लग सकता है, तो जब तक ये सर्वर रेडी होती है तो तब तक मैं थोड़ा सा इसे फर्ज कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी, तो एक नोटिफिकेशन आया कि सर्वर इज क्रिएटेड, और आप देख सकते हैं कि हमारा जो सर्वर है बेंगलोर का वो क्रिएट हो चुका है। और आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ये तो एक सिंपल वीडियो है जहाँ पे मैं आपको क्लाउड VPS के बारे में बता रहा था, क्योंकि क्लाउड वे में सभी प्रकार के सर्वर अवेलेबल है, अमेजोन का, गूगल का और सभी कंपनी का। तो मैं आपको इससे बढ़िया बढ़िया ट्यूटोरियल्स और बना के दूंगा, आज एक डेमो कर रहे हैं हम लोग कि आप लोगों को क्लाउड VPS और नॉर्मल होस्टिंग में क्या फर्क है वो देखने के लिए आपको फ्री ट्रायल लेना पड़ेगा। तो आप लोग क्लाउड वे में जाके, क्लाउड वे की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे आपको जाना है और साइन अप करनी है। आपको कोई डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड लगाने की जरूरत नहीं है, फ्री ट्रायल है, 3 डेज के लिए आपको फ्री ट्रायल मिलेगी। आप भी सर्वर बनाना, इसी तरह से वर्डप्रेस इंस्टॉल करना, वूकॉमर्स जो आपको इंस्टॉल करना है इंस्टॉल करके आप उसको चलाना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो इस वीडियो के नीचे आप क्वेश्चन करना,
और कंपनी का कहना है कि अगर 10 मेंबर से ज्यादा मेंबर लोगों ने साइन अप किया तो वो हमारे चैनल पे लाइव आके आपके क्वेश्चन के जवाब देंगे, तो वो सपोर्ट बहुत अच्छा करेंगे बोल रहे हैं। हमारी तो कोशिश है कि 10 लोगों से ज्यादा लोग इसको साइन अप करें, वैसे हमारी बहुत छोटी सी चैनल है तो ज्यादा लोग कोई करेंगे नहीं, एक दो भाई मुझे अपना भाई मानता होगा तो वो करेगा। अब कोई कहेगा कि आप अफिलिएट कर रहे हैं तो वो जाने, इसमें अफिलिएट की कोई बात नहीं है। अगर कोई कंपनी हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अभी हमारी कम्युनिटी बन चुकी है, हमें एक अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट चाहिए। अगर मैं लिनोड बता दूं, फिर एसडब्ल्यू बता दूं, उस सब को अलग अलग चलाना मुश्किल है, तो क्लाउडवे मैनेज करता है। पैसा लगता है, देखो आपकी चॉइस है, अगर आप थोड़ा पैसा भर सकते हो तो इसे यूज करो, नहीं भर सकते तो डायरेक्ट खरीदो, और अगर बहुत कम पैसा कर सकते हो तो शेयर होस्टिंग खरीदो, चॉइस आपकी है। तो हमारी बन चुकी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन है इंस्टॉल हो चुका है, hdt.com बोल के हमने नाम रखा है, तो हम लोग इसे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका एक्सेस डिटेल यहाँ पे हमें दिखा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं उसका लिंक भी यहाँ पे हमें दिखा रहा है, एप्लीकेशन की URL, तो हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोग अपना एप्लीकेशन देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा ई-कॉमर्स जो है यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है, और उन्होंने एक डिफॉल्ट वाली डाल दी है, यहाँ पे ऑलरेडी ये ई-कॉमर्स चल रहा है हमारा, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे हिंदी देवटूट्स, यहाँ पे यूजर हमें दिखा रहा है माइग्रेशन कैसे करना है, इसकी एक प्लगइन आती है उससे हम लोग कर सकते हैं ई-कॉमर्स, गोडेडी से आप यहाँ कैसे आ सकते हैं, कोई भी कंपनी से क्लाउडवे में कैसे आ सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे दिया है और ये बिल्कुल चल रहा है। और यहाँ पे अगर आप लॉगिन करना चाहें तो WP एडमिन करेंगे आप इस तरह से, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, और हम लोग की इसकी जो आईडी पासवर्ड है आप देखिए यहाँ पे एडमिन पैनल URL जो है वो hindidevtuts@gmail.com है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ये रहा मेरा आईडी, और यहाँ पे ये रहा कॉपी, और ये रहा मेरा पासवर्ड। याद रखिए, देखें कि मैंने कोई भी चीज़ इंस्टॉल नहीं किया, उन्होंने खुद सर्वर इंस्टॉलेशन की, सर्वर में लिनक्स डाला, उन्होंने वर्डप्रेस डाला, उन्होंने ई-कॉमर्स डाला, सभी चीज़ ऑटोमेटेड हुआ, उसी की ये लोग पैसे लेते हैं, हमें कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कहाँ गया इसका वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन, यूजर नेम और पासवर्ड, एप्लीकेशन क्रीडेंशियल, यू कैन क्रिएट एंड यूज मल्टीपल एप्लीकेशन क्रीडेंशियल, ओके वो हमें नहीं चाहिए। एडमिन पैनल कहाँ पे है, यहाँ पे है, और उसकी ईमेल आईडी क्या है, कॉपी कर लेते हैं, और यूजर नेम में यहाँ पे कॉपी कर लिया, कौन सा कॉपी हो रहा है, कॉपी अभी कॉपी हो गया, सॉरी मैंने यहाँ पे यूजर नेम जो है गलत दे दिया था, तो ये मेरा हिंदी रेपटूर्स कॉपी हो गया, और ये जो पासवर्ड है इसे भी कॉपी कर लेते हैं हम लोग, आप व्यू कर सकते हैं देखिए, और इसे क्लिक टू कॉपी करेंगे, कॉपी हो गया, तो हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे लॉगिन कर देंगे, और आप देखेंगे हमारा जो ई-कॉमर्स का है, देखिए ऑलरेडी हमारा ई-कॉमर्स इंस्टॉल हो चुका है, बस हमें लेट्स गो करना है और ये चलने लगेगा। देखिए पूरी तरह से सेटअप करेंगे, सब कुछ रेडी है, लेट्स गो करते हैं हम लोग, हमारा एक स्टोर फ्रंट बन ही जाएगा, जैसे हम लोग लोकल में यूज करते थे उसी तरह से हम लोग अभी फटाफट हम लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे। इसको ओके कर देते हैं, स्कीप कर देते हैं, आप देख रहे हैं जैसे हम लोग वर्डप्रेस में करते थे ना लोकल में, उसी तरह से ये ई-कॉमर्स पूरी तरह से इंस्टॉल हो गया, इसको पब्लिश कर देते हैं, ठीक है, और उसके बाद में इसको हम लोग बंद कर देते हैं, पब्लिश होने के बाद में इसे बंद कर देते हैं, और आप देख सकते हैं हमारा हो चुका है। सेटअप विजार्ड करते हैं ई-कॉमर्स का, तो हम लोग कहाँ पे रहते हैं वो हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, ई-कॉमर्स बहुत लंबा हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, सीखना है तो थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, मैं अभी उतना ज़्यादा नहीं कर रहा। आप ई-कॉमर्स की सीरीज हमारी देख सकते हैं, इसके लिए मैं इसको फटाफट कर देता हूँ, ओके आप लोग देख के अच्छे से कर लेना, ये हो गया, और यहाँ पे INR चूज करना पड़ेगा हम लोग को, इंडियन करेंसी, इंडियन रुपीस, आया ही नहीं रुपीस, इस तरह से हम लोग करेंगे तो आ गया इंडियन रुपीस, ठीक है, आई ऑल्सो प्रोवाइड, ठीक है, हेल्प इम्प्रूव, सब कुछ सही है, लेट्स गो। और यहाँ पे आप आगे जाएंगे तो आपको काफ़ी सारे सेटअप करने के लिए पूछेगा, पेपल ऑफलाइन पेमेंट चाहिए, यस हम लोग को ऑफलाइन चाहिए, हम लोग को कैश ऑन डिलीवरी चाहिए, पेपल नहीं चाहिए, कंटिन्यू। और यहाँ पे फ्लैट रेट चाहिए, हम लोग फ्री शिपिंग कर रहे हैं, इसको भी हम फ्री शिपिंग कर रहे हैं। आपको अगर देखना है ई-कॉमर्स का सेटअप तो आप हमारे ई-कॉमर्स ट्यूटोरियल्स को देख सकते हैं, मैं बस आपको यहाँ पे ई-कॉमर्स तक लेके जाना चाहता हूँ। और यहाँ पे आप कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, हमें कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट नहीं करना है, क्रिएट फर्स्ट प्रोडक्ट करना है। तो हम लोग अपना डैशबोर्ड पे आ गए, हम लोग आप डैशबोर्ड में जाएंगे, सबसे पहले सेटिंग में जाऊँगा, जनरल में जाऊँगा, और उसका जो नाम है उसे चेंज करूँगा, इतना लंबा नाम हमें नहीं चाहिए, और ये वाला ई-कॉमर्स टूट्स ये मैं कर रहा हूँ, आप लोग चेंज कर लेना अपने हिसाब से, ओके और इसे सेव चेंजेस कर देंगे। और यहाँ पे जो सब्सक्राइबर है इसे एनीवन कैन रजिस्टर, सब्सक्राइबर के जगह में कस्टमर, इतना ही चेंज करना है और सेव चेंजेस कर देंगे।
अब हमारा साइट जो है वो बिल्कुल रेडी है, विजिट करेंगे आप देख सकते हैं हमारा साइट बिल्कुल ई कॉमर्स साइट रेडी है। आप कोई भी थीम बाद में आप लगा सकते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे थीम इंस्टॉल करना है, अपीयरेंस में जाएंगे, थीम्स में जाएंगे, बिल्कुल आप यहाँ पे कोई भी थीम ऐड करना चाहते हैं इस तरह से ऐड न्यू करेंगे तो काफ़ी सारे थीम यहाँ पे पहले से आपको मिल रहे हैं। और अपलोड करना चाहते हैं आप अपना प्रीमियम वाले थीम इस तरह से अपलोड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं इलेक्ट्रो थीम दिख रहा है हमें, हम लोग अपलोड कर सकते हैं जो अभी नहीं करेंगे। ओके, तो इस तरह से आप वर्डप्रेस के, आपने देखा कि यहाँ पे हमने कोई टेक्निकल नॉलेज का इस्तेमाल नहीं किया, हमने बस क्लिक किया, एक सर्वर बनाई, अपने आप सर्वर बन गया, उसकी सारी एक्सेस मिल गई, देखिए एडमिन पैनल मिल गई, उसकी SSH मिल गई, उसकी MySQL भी मिल गई, एप्लीकेशन की क्रेडेंशियल आपको किसी डेवलपर को देना है तो वो भी आप कर सकते हैं। इस तरह से आप अपना सब कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। और डोमेन मैनेजमेंट करना है आपको, कोई डोमेन चिपकाना है यहाँ पे, क्योंकि ये जो URL मिला है आप देखिए अजीब टाइप का URL है, आपको यहाँ पे डोमेन देखना है कोई बात नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्राइमरी डोमेन आपको ऐड करना पड़ेगा, डोमेन का नेम पूछ रहा है, चलिए हम लोग एक डोमेन ऐड कर देते हैं यहाँ पे। ओके, तो मैं काम करता हूँ कार्ड जेस्चर टीके है, ये फ्री डोमेन है, मैं ऐड करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि अभी GoDaddy वाला डालना पड़ेगा तो इसके लिए बेटर है कि ये जल्दी हम लोग हो सके, ऐड डोमेन कर देते हैं हम लोग यहाँ पे और यहाँ पे सेव चेंजेस कर देते हैं। और यहाँ पे ऐड होने के बाद में हम लोग को एक DNS मिलेगा, उसे जाके हम लोग वहाँ पे चेंज करेंगे। तो आज का ये ट्यूटोरियल्स मैं आपको नॉर्मली बता रहा था कि हम लोग VPS बड़ी आसानी से सेट कर सकते हैं, बिना कोई टेक्निकल नॉलेज के हम लोग अपना क्लाउड VPS चला सकते हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी प्रोवाइडर यूज कर रहे हैं, जैसे कि क्लाउड वे। अगर ये अमेजोन होता, गूगल होता, तो डायरेक्ट अगर आप गूगल से क्लाउड खरीदोगे तो उसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ेगा, उबुंटू इंस्टॉल करनी पड़ेगी, या तो आप सेंट ओएस इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ऐसा बहुत कुछ है। और यहाँ पे आपको दिखा रहा है हाउ टू पॉइंट योर डोमेन टू, ये वाला चीज आपको यहाँ पे मोर डिटेल्स आपको दिखा रहा है, तो हम लोग यहाँ मोर डिटेल्स करेंगे तो हमें बताएगा कि किस तरह से ये पॉइंट करेगा। तो हम लोग यहाँ नीचे देखेंगे, यहाँ पे आपको वीडियो भी दिया गया है, वो वीडियो देख के आप चेंज कर सकते हैं, और ये जो IP है वो IP देख के भी आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे जाएंगे और टेस्टिंग ऐप आपको दिखा रहा है, ठीक है, डोमेन मैनेजमेंट में जाएंगे, सेव चेंजेस करेंगे, इसको ऐड कर लिए, और उसके बाद में यहाँ पे जाएंगे और एडिशनल डोमेन जो है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जाके ए रिकॉर्ड करके आप बना सकते हैं, GoDaddy में अगर है तो, GoDaddy में अगर आपको ऐड करना है तो आप GoDaddy में ए रिकॉर्ड के मदद से आप कर सकते हैं। डोमेन में जाएंगे, एक ए रिकॉर्ड जो है वो ऐड करेंगे, ऐड ऑप्शन दिया रहता है, होस्ट ऐड करेंगे और इस तरह से पॉइंट कर सकते हैं आप, टाइप ए रहेगा, होस्ट WWW रहेगा, इस तरह से आप पॉइंट कर सकते हैं। तो आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से पॉइंट किया जा सकता है, वो तो टेक्निकल स्टफ है, मैं आपको सारी चीज बताऊंगा, लेकिन आज के लिए बस ये एक छोटा सा वीडियो था। तो आप लोग को जिसको भी ज्वाइन करना होगा वो क्लाउड वे में ज्वाइन करिए, ये बिल्कुल फ्री है। आप फ्री ज्वाइन करने के बाद में आपको फ्री ट्रायल मिलेगी, 3 दिन तक आपको कोई पैसे भरने नहीं पड़ेंगे, तो 3 दिन तक आप वर्डप्रेस जो इंस्टॉल करना है करिए और इस सर्वर को टेस्ट करिए, करने के बाद अच्छा लगता है तो आप इसको अपग्रेड करिए। प्राइसिंग आपको पता ही है, इसमें सारे कंपनी के अवेलेबल है, तो आप इसे बड़ी आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। और कंपनी से हमारी बात हुई है, अगर 10 बंदे से ज़्यादा अगर इनके सर्विस को पसंद करते हैं और आपको कोई सवाल हो ये क्लाउड वे के बारे में, तो इस वीडियो के नीचे पोस्ट कर दें, ताकि अगले हफ्ते मैं आपके बिहाफ में कंपनी से वही सवाल पूछूंगा। तो आपको जो भी कमेंट से जो भी सवाल पूछना हो क्लाउड वे कंपनी को, तो आप इस वीडियो के नीचे पोस्ट कर दें। और ये वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। मैं कोशिश करता हूँ वीडियो अच्छी बने, लेकिन कभी कभी लंबी हो जाती है। और बाकी ये एक वीडियो है, तो एक वीडियो में काफी सारे बातें बतानी थी तो कंप्लीट नहीं हुई, और इसकी और भी सीरीज आएगी जहाँ पे हम लोग क्लाउड VPS के बारे में बात करेंगे, और अच्छा रहा तो क्लाउड वेज कंपनी के बारे में भी बात करेंगे। अगर क्लाउड वेज कंपनी अच्छी सपोर्ट प्रोवाइड करेगी तो फिर हम लोग उनके कंपनी के बारे में जरूर बात करेंगे, अदरवाइज ये कंपनी हम लोग छोड़ देंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपको वेब डिजाइनिंग डेवलपमेंट की ट्यूटोरियल्स देखनी है, यूट्यूब की ट्रेनिंग देखनी है, तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।